ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 28। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशंति वक्त्राण्य विवज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी उपमा दी गई है यहाँ पर नदियों के प्रवाह से। तो नदियाँ आप शहरों में तो आप नदियाँ देखने को नहीं मिलती हैं या नदियों का प्रवाह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पहले ही नदियों में न जाने कितने बांध बना दिए गए हैं, उनके प्रवाह को रोका गया है, उसमें कई गंदगी मिला दी गई है। लेकिन यदि आपको प्रवाह ही देखना है तो आप देखिए कई जगहों पर, हरिद्वार में आपने देखा है गंगा जी का प्रवाह भयंकर, गलती से अगर कोई छूट जाए हाथ, उसकी चेन छूट जाए तो उसका पता नहीं चलता कहाँ गया। उसी तरह से आप अगर बद्रीनाथ गए हैं तो रास्ते में आप देखेंगे भयंकर प्रवाह, अलकनंदा रिवर है, बीच बीच में मंदाकिनी से मिलती है, अनेक उसमें संगम आते हैं और बड़े भयंकर भयंकर प्रवाह। फिर आप यदि कभी मनाली साइड में गए हैं तो व्यास व्यास का प्रवाह आप देखेंगे तो बहुत ही भयंकर प्रवाह। तो ये जो नदियाँ हैं ये इंडिविजुअली बड़ी भयंकर हैं, हम सब ने देखा है, शहरों में नहीं देखा होगा लेकिन हरिद्वार तो आपने देख ही लिया होगा एटलीस्ट। तो इन प्रवाह को ये अल्टीमेटली कहाँ जाके मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नदी एक समुद्र में मिलती है और नदी का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है एक तरह से, लिटरली तो नहीं होता है वो हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन वो भयंकर दिखने वाली नदी समुद्र के सामने उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जो भयंकर नदी है जिसका प्रवाह बहुत ही भयानक है, लेकिन समुद्र इतना विशाल है कि वो नदी को अपने अंदर समा लेता है। उसी तरह से हम लोग भी बहुत ही बलशाली हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उस भगवान उस विराट पुरुष के सामने हम कुछ भी नहीं है, है ना। ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये सारे जीवात्मा क्या है, मेरे अंश हैं, अंश जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, बहुत ही सूक्ष्म। हम अपने आप को बहुत बलशाली मानने लगते हैं, इनडिस्पेंसेबल मान लेते हैं, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, इस ऑफिस का, इस घर का, इस भक्तों के समाज में अगर मैं चला जाऊं कांग्रीगेशन से सब बेकार हो जाएगा। तो कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं, लार्जर देन द टाइम इटसेल्फ, लार्जर देन द लाइफ, लेकिन वास्तव में हमारा अंत जो है ऐसा ही एक दिन हो जाना है। जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है और उसकी वो भयंकर उसके अस्तित्व समुद्र के आगे क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि समुद्र में जब नदी मिलती है तो ऑल्दो ऐसा लगता है कि नदी मर्ज हो गई उसके अंदर, लेकिन वास्तव में वो एक एक बूंद अपना अस्तित्व बना के रखती है। एक एक बूंद मिलके कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो एक एक बूंद समुद्र में है लेकिन वो अनंत बूंदों का जो एक साथ वाई है उसे क्या बनाया, उसे समुद्र बनाया। तो समुद्र क्या है, अपने आप में एक अस्तित्व, लेकिन उसके अंदर और भी कई सारी बूंदें भी हैं जो कि अस्तित्व खोती नहीं है। उसी तरह से नदी पानी में जरूर चली गई है समुद्र में, लेकिन इसका जल उसके अंदर है, इसकी बूंदें उसके अंदर हैं। उसी तरह से जीवात्मा उस ब्रह्म ज्योति में चली जाती है, कभी कभी उस विराट पुरुष के या विष्णु के शरीर में चली जाती है, लेकिन अपना अस्तित्व को नहीं खोती है। ना तो हम नहीं तो जातु नासम ना तो हम नहीं में जना दीपा, कि कभी ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं होगे, हम नहीं होंगे, हमारा अस्तित्व हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए ऑल्दो
हम अपने आप को, तो इसमें कई सारी फिलोसफी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो ये कि हम अपने आप को बहुत बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम उस महान विशाल के आगे कुछ भी नहीं है। बद्री विशाल जैसे कहते हैं ना, भगवान का नाम क्या है बद्रीनाथ में, कहते हैं बद्री विशाल, तो उस विशाल के आगे हम कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व बना रहता है, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, वो अस्तित्व बना रहता है, वो चिंगारी बनी ही रहती है। तो उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मुख में जैसे कि नदी, भयंकर नदी है अपने आप में, लेकिन समुद्र में जाकर फुस, वैसे ये महान योद्धा आपके शरीर में जा रहे हैं और बस प्रवेश करके खत्म, एज इफ कि आप सबको निगलते जा रहे हो, ऐसा सारा संसार को आप निगल ही जाओगे, ऐसा मुझे लगता है अर्जुन कहते हैं। भगवान की 6 ऑपुलेंसेज हैं, हमने चर्चा करी थी पहले भी कि भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, मोस्ट पावरफुल पर्सन, सबसे शक्तिशाली वीर, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव शन्नम भगम भग इतिंगना, ये विष्णु पुराण में श्लोक आता है भगवान के 6 ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समग्र से, कैसा ऐश्वर्य है, चारों तरफ फैला हुआ, ऑल पूरा कंप्लीट ऐश्वर्य। वीर्यस्य यशसः श्रिया, वीर हैं, इज मोस्ट पावरफुल पर्सन, यशवान हैं, ऑपुलेंट हैं और मोस्ट ब्यूटीफुल हैं। श्रिया ज्ञान वैराग्य, उनके अंदर समस्त ज्ञान है, वो ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के स्रोत हैं और वैराग्य के भी स्रोत हैं। अब ये भगवान के अंदर ये क्वालिटीज फुल्ली हैं, फुल्ली लोडेड, और जीवात्मा के अंदर अगर ये जरा सी भी हो जाती है, कोई सी भी जरा सा भी ब्यूटीफुल हो जाता है, संसार में बहुत फेमस हो जाता है, जरा सा भी ताकत हो जाता है तो संसार में बहुत फेमस हो जाता है, जरा सी ताकत से ही। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैशियस क्ले, आपको शायद मालूम होना हो क्योंकि उसका नाम बाद में बन गया था मोहम्मद अली, उसके लिए बोला जाता था कैशियस क्ले द ग्रेटेस्ट, उसको बोला ही जाता था, उसका नाम पड़ गया था द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली, बाद में उन्होंने सबको कहते थे यू आर द ग्रेटेस्ट, और वो खुद को कहता था यस आई एम द ग्रेटेस्ट। और कुछ समय बाद उनको कुछ ऐसे लोग मिले उनके जीवन में आए जिन्होंने भगवान का रास्ता दिखाया, उनके जीवन में पर्सनली भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए, एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग गॉड इज ग्रेटेस्ट, आई एम नॉट ग्रेटेस्ट। उन्होंने ऐसे कई सारे, इतना फेमस व्यक्ति, ही सेड सेंचुरी स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी, ही इज स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी, पूरे शताब्दी के सबसे महानतम खिलाड़ी। और उन्होंने कई सारी स्पीच भी दी, एक बार वो स्पीच आई भी थी हमारे पास, आई डोंट हैव दैट स्पीच नाउ, ही स्पोक सच अ ब्यूटिफुल स्पीच अबाउट गॉड दैट ही इज ऑल माइटी, ही इज द पावरफुल मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, बहुत सारे क्वालिटीज को हम बहुत सारे जीरोज की तरह कहते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि जीरो के साथ जीरो जोड़ दो तो जीरो ही होता है, 5 जीरो में 6 जीरो जोड़ दो तो वो भी जीरो ही होता है, लेकिन अगर उसके साथ 1 लगा दो तो उसकी एक वैल्यू हो जाती है, वो वैल्यू मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे क्वालिटीज हो सकती हैं, कृष्ण की 6 ऑपुलेंसेस में हमारे अंदर कोई 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 ऑपुलेंस छोटी मात्रा में हो सकती है, लेकिन जब तक हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है तब तक वो सब कुछ यूजफुल है, यूजलेस है। तो बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट भी इस रियल ग्रेटेस्ट के आगे क्या कहते हैं, नतमस्तक उसको होना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हमें नतमस्तक होना ही पड़ता है, जब हमसे सब छीन ही लिया जाता है, हम ग्रेटेस्ट हों, पावरफुल हों, हम रोक नहीं पाते हैं अपने आप को मरने से, और एक दिन हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है, या तो हमारे जीते जी सब कुछ चला जाता है, समय हमसे छीन लेता है या मृत्यु हमसे छीन लेती है, समय या मृत्यु। तो जब सब कुछ छीन ही लिया जाना है, इज इट नॉट वाइजेबल, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन टू गिव वॉलेंटेरली, हम अपनी स्वेच्छा से ही क्यों ना दे दें, कितना सम्मान मिलता है अगर आप स्वेच्छा से दे दें, छीन के तो फिर वो सामान मिलेगा ना। जैसे गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट आपको अवार्ड देती है, मोस्ट टैक्स पेयर, सिंसियरेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द ईयर, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देते हैं गवर्नमेंट रेड मारती है आपको और पेनल्टी लगाती है टैक्स की, तब भी आपसे वसूल लेती है, लेकिन तब तो बदनामी मिलती है,
पैसा दोनों ही केस में देना पड़ा, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम खुद ही उसको दे दें। उसी तरह से अल्टीमेटली मृत्यु और समय, जैसा अर्जुन यहाँ बता रहा है कि महान से महान योद्धा भी आपके मुख में प्रवेश करके गायब होता जा रहा है, समाप्त, नॉन एग्जिस्टेंट। ऐसा ही हमारे साथ एक दिन होगा, लोग हमें, बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई हमें नेताजी बोलता है, कोई हमें बॉस बोलता है, कोई हमें सर बोलता है, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, हमारी जान है, हमारी पहचान है, लेकिन हमारे मरने के कुछ समय बाद आप देखते हैं कि परिवार वाले भी भूल जाते हैं। बाद वालों की तो बात छोड़ो, क्योंकि उनको भी लाइफ है, दे गो ऑन विद देयर ओन लाइफ, दे हैव टू गो, अपनी लाइफ उनको आगे बढ़ानी है। तो हमारा नाम नॉन, वी विल बिकम नॉन एग्जिस्टेंट, हम संसार में मिट जाएंगे। तो इस जीवन को जीने से पहले क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें हम अपनी स्वेच्छा से अपना सब कुछ भगवान के आगे न्योछावर कर दें और भगवान के प्रिय बन जाए। बलि महाराज वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, छोटा सा बौना, भगवान बौने बन के आए थे और शुक्राचार्य ने बोल दिया था, ओ इज नॉट बौना, समझ लो ये कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, ये विष्णु है, विष्णु तुम्हारी सब कुछ हड़प लेगा। हाँ, तो बलि महाराज डिड अ वेरी वंडरफुल थिंग। हमसे भी कई बार बोलते हैं ना, फोन आए, रख दो डोनेशन मांगेंगे। तो बलि महाराज को उनके गुरु ने बोला, मांग लेगा, सब कुछ मांग लेगा, लूट लेगा। तो बलि महाराज सेट वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जाना ही तो है, एक दिन तो चला ही जाना है, क्यों ना अपनी इच्छा से दे दूँ। वो झुक जाते हैं, ले लो जी, जो लेना ले लो, वो सब कुछ नाप लेते हैं, तो आप क्या लूँ, दो पैरों में उनका सब कुछ, पूरी संसार को नाप दिया, वो कहता मेरे को सर पे पैर रख दो, बस। कितना वाइज डिसीजन था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनको बंदी बना लिया जाता है और गुरु कहते हैं, देख मैंने कहा था तेरे को, हो गया ना, बंदी बना लिया ना। वो बड़े विनम्र बने रहते हैं, भगवान का शरीर भी भगवान का है, बंदी बना लो, हाउ डज इट मैटर। और फिर भगवान अपनी करुणा उनको दिखाते हैं, हाँ, कि उनको एक लोक देते हैं जो कि कहते हैं इंद्र के लोक से भी ज्यादा ओपुलेंट होगा। बलि महाराज सुतल, आई बिलीव इंद्र के लोक से भी ज्यादा ऐश्वर्यवान होगा और मैं तुम्हारे गेट के आगे तुम्हारा चौकीदार बनूंगा। कितना बड़ा, हाँ, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये जानते हुए कि मैं लुट रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ, स्वेच्छा से सब कुछ दे दिया और कितना कुछ पा लिया। हाँ, आप लोग कभी भी ऐसा करें तो ये इच्छा से ना करें कि तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख देगा। हाँ, अल्लाह की सुनो, भगवान की सुनो, तुम्हारी सुनेगा। दिस इज नॉट द राइट वे। बट फिर भी कृष्णा इज नॉट माइजर, कंजूस नहीं है भगवान, वो भी दिल खोल के देते हैं, जरूर नहीं है पैसा दें, अपना प्यार लुटाते हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी इच्छा से भगवान को सब कुछ ऑफर करते हैं, बड़े प्रेम से, इससे पहले कि मृत्यु इस प्रज्वलित मुखों में हम भी प्रवेश कर जाएं जिसमें कुरुक्षेत्र के योद्धा प्रवेश कर रहे थे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।